News 18, India. और एक बड़ी खबर है इस वक्त की, उत्तर प्रदेश में वाराणसी की ज्ञानवापी की एसआई सर्वे रिपोर्ट आज सार्वजनिक हो सकती है और आज कोर्ट की ओर से दोनों पक्षों को यह सर्वे रिपोर्ट मिल सकती है। रिपोर्ट लेने के लिए हिंदू और मुस्लिम पक्षकार सुबह 11 बजे वाराणसी कोर्ट में अर्जी देंगे और इसके बाद कोर्ट में कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद में दोनों पक्षों को यह रिपोर्ट मिल सकती है। एसआई की टीम ने 100 दिन से भी ज्यादा समय तक ज्ञानवापी के वजू खाने की वाली जगह को छोड़कर के बाकी सभी जगहों पर सर्वे किया है और एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट 18 दिसंबर को ही कोर्ट में दाखिल कर दी है और इस पर रोक की मांग मुस्लिम पक्ष की ओर से की गई थी। आखिरकार कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को यह रिपोर्ट देने की बात कह दी है बगैर शर्त के और ऐसे में सार्वजनिक हो सकती है बात कि वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर एएसआई की टीम ने आखिर ज्ञानवापी परिसर में अपनी इस पूरी रिपोर्ट में क्या पाया है। क्या वो दावे सच साबित होते हैं जो मुस्लिम पक्ष के दावे थे या फिर जो हिंदू पक्ष ने कहा कि उनकी ये पूजा स्थली है। आज काफी कुछ ऐसे निशान सर्वे रिपोर्ट के जरिए जग जाहिर हो सकते हैं जो कि दोनों पक्षों को आज एएसआई की रिपोर्ट सौंपी जाएगी क्योंकि एक गहन सर्वे यहां एएसआई ने किया। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, एक बड़ा लंबा विवाद ज्ञानवापी परिसर को दोनों ही पक्षों ने अपने अपने दावे किए, क्या आज जब ये रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को दी जाएगी ये बात दुनिया को पता चल जाएगी कि आखिर किनके दावों की पुष्टि होती है इसमें? या बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एएसआई ने 100 दिन से ज्यादा समय तक सर्वे किया है वो भी ज्ञानवापी परिसर में, सिर्फ वजू खाने वाले जगह को छोड़कर जो विवादित जगह था उस जगह को छोड़कर बाकी सब जगहों पर साइंटिफिक तरीके से उन्होंने सर्वे किया है एएसआई ने। और उसके बाद एएसआई का जो सर्वे रिपोर्ट है वो दिसंबर में ही कोर्ट में दायर हो गया था। आज दोनों पक्षकार, हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार दोनों को ये सर्वे रिपोर्ट दी जाएगी। 11 बजे दोनों पक्षकार एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और उसके बाद जो कोर्ट की फॉर्मेलिटीज होती है उस कोर्ट की फॉर्मेलिटीज को पूरा होने के बाद उन्हें मिल जाएगा। जैसे ही मिलेगा उसके बाद जाहिर तौर पे जो वकील है उसका अध्ययन करेंगे, वो उसके बाद मीडिया में उससे बातें कर बाइट देंगे और उसके बाद साफ हो जाएगा कि एएसआई सर्वे में क्या कुछ निकल कर सामने आया। क्योंकि जिस तरीके से हिंदू पक्षकार लगातार दलील देते रहे हैं कि ये उनकी पूजा स्थली है और तमाम आकृतियां जो है सनातन धर्म के मुताबिक मस्जिद परिसर में के दीवारों में जो कि हिंदुआती मस्जिद है उसके दीवारों में है, तो ये सब साफ हो जाएगा कि वाकई में जिस तरीके से हिंदू पक्षकार की तरफ से दावा किए जाते हैं वो सही है या नहीं है। एएसआई रिपोर्ट जैसे ही निकल कर सामने आएगी ये सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जी अमित, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस काशी विश्वनाथ परिसर से ही लगे ज्ञानवापी की इस सर्वे रिपोर्ट के बाद आगे की आखिर कार्रवाई क्या होने वाली है जबकि आज उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो सकती है? देखिए आज जैसे ही रिपोर्ट सार्वजनिक होगी दोनों पक्षकारों को मिलेगी, उसके बाद वकील जो है उसको अध्ययन करेंगे। अध्ययन के बाद अगर हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार को कुछ गलत उसमें अगर उसको दिखता है तो जाहिर तौर पे वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। और अगर दोनों पक्षकारों को सर्वे रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं दिखती है उसके बाद उस सर्वे रिपोर्ट पर बहस होती होगी। कोर्ट में जो बहस की प्रक्रिया होती है वो लंबी होती है और बहस पूरी होने के बाद आखिरकार फिर कोर्ट फैसला सुनाता है। बहस जैसे पूरी होती है उसके बाद इंक्वायरी का सेगमेंट आता है, इंक्वायरी सेगमेंट पूरा होने के बाद कोर्ट फैसला सुनाता है। तो जाहिर तौर पे एएसआई सर्वे जो है वो जैसे ही दोनों पक्षकारों को मिलेगा दोनों पक्षकार पहले उसको अध्ययन करेंगे, फिर उनके पास एक लिबर्टी है ऑब्जेक्शन फाइल करने की और उसके बाद कोर्ट का जो रूटीन होता है बहस होगी उसमें। जी तो आज ये सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो सकती है और उसके बाद ये पूरी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती दिखाई देगी कि किनकी ये पूजा स्थली होगी। कोर्ट इस पर भविष्य में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला भी सुनाएगा। लेकिन ये बेहद अहम सर्वे आज जो दोनों पक्षों को जिसकी रिपोर्ट मिल सकती है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से ही जुड़ी और जानकारी आखिर आपको बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। दरअसल 18 दिसंबर को एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट वाराणसी में पेश कर दी और ये रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश की गई और इस पूरी रिपोर्ट में वो सारी सर्वे है जो वैज्ञानिक आधार पर की गई। सीलबंद रिपोर्ट पर हिंदू पक्षकार ने आपत्ति जाहिर की थी। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट करीब 1500 पन्नों की है। सर्वे से मिले अवशेषों को भी इस कोर्ट में रखा गया है और एएसआई सर्वे ज्ञानवापी परिसर में
100 दिनों से भी ज्यादा वक्त लगातार चलता रहा। वैज्ञानिक परीक्षण इसका पूरा हुआ, रिपोर्ट। मुस्लिम पक्ष की रिपोर्ट सार्वजनिक ना करने की मांग की, हिंदू पक्षकार रिपोर्ट सार्वजनिक करने के पक्ष में रहे, और अब आखिरकार कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है कि दोनों पक्षों को रिपोर्ट दे दी जाएगी और बहुत उम्मीद कि आज ये रिपोर्ट सार्वजनिक भी हो जाएगी। और ऐसे में ये सबसे अहम बात भी हो सकती है, क्योंकि इसके लिए एक लंबी लड़ाई चली कि ये पूजा स्थली दरअसल किसकी है। इस पर दावा मुस्लिम पक्ष का भी रहा, हिंदू पक्ष का भी रहा। हिंदू पक्ष के कुछ लोगों ने इसे अपनी पूजा स्थली बताते हुए इसमें इजाजत मांगी थी, लेकिन उसके लिए अवरोध आया, तो इसकी सर्वे के आदेश दिए गए, जिसकी कॉपी आज सभी को मिल सकती है।